फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि टीवी ओनली फॉर यू। सो आज हम जाने वाले हैं मंदिर और हमारा व्लॉग होगा यही। बस मंदिर चलते हैं क्योंकि आज है सावन का तीसरा सोमवार। सो चलते हैं। सो फाइनली हम मंदिर अपने पहुंच ही चुके थे। हालांकि मैं लेट गई थी क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी, इसलिए जब कोई भी नहीं था वहाँ पे, मैं गई 11 बजे, इसलिए वहाँ पे कोई भी नहीं था, खाली था। सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मैं नहीं गई थी। सो अब हम जाएंगे अंदर। हालांकि मैं अकेले ही गई थी क्योंकि मामा जी थोड़े बिजी थे, इसलिए फिर मैं अकेले ही गई थी। मंदिर में कोई भी नहीं मिला था आते जाते टाइम, और फिर मामा जी हालांकि लास्ट में आ गए थे। कि फिर देखिए हमारा शिव बड़ा शिव मंदिर है, इसको बड़ा शिव मंदिर के नाम से सब बोलते हैं। ये बहुत ऊंचा यहाँ पे ज्यादा लगा हुआ है, देख रहे होंगे आप। यार कितनी माइंड ब्लोइंग कलाकारी कर रखी है बंदों ने, मेहनत कितनी लगी होगी। सुबह यहाँ पे इतनी भीड़ थी, मैं आने वाली थी सवेरे सवेरे, मैं अभी भी नानी के घर हूँ तो नानी तो सवेरे आके चली गई। मैंने बोला भाई मुझे बनानी वीडियो, मैं तो जाऊँगी छीद छीद में, इसलिए अब यहाँ पर कोई नहीं है। पैर स्लिप होए जा रहे हैं कतई। ओ भाई चलो तो हम अब शिव जी को अभिषेक कर लेंगे। बहुत दिनों के बाद आई हूँ। चलो तो चलते हैं, वैसे इधर को मुंह करके चलते हैं, पर सामने डॉगी बैठा जिस तरह मुझे बहुत डर लगे। भी मतलब मंदिर में भगवान जी की मूर्तियां हैं, हम उन पे भी जल चढ़ाएंगे। वैसे तो अलाउ नहीं है, मतलब आपको दिखाएंगे उसके लिए। सो अब हम चलते हैं बाहर। और अब हम बाहर आ चुके थे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे मंदिर में प्यारे से किशोर जी और कान्हा जी की मूर्तियाँ, बट वहाँ पे लोग लगा हुआ है क्योंकि अंदर फिर लोग कितना भी मना कर लो मानते नहीं, अंदर जल जरूर चढ़ाते, इसलिए उसको लॉक किया हुआ है बाहर से। और अब हम चलेंगे। हमारा मंदिर पूरा 250 साल पुराना है दाजी। अब आप ये मंदिर है उसके चारों ओर करेंगे, उसके अंदर का दिखाएंगे आपको। ये देख रहे हैं 13,000 आदमी अंदर है, मतलब गांव में क्या बोलते हैं, और मुझे भी नहीं पता। कॉमन सी बात है, 13,000 आदमी जो सब भी होंगे इसके अंदर, को ऐसे जो है शिवरात्रि में यहाँ पे आते हैं, आप देख रहे हो। जैसे कि अब हम चलेंगे अगली माता के मंदिर। सो चलते हैं।
राधे राधे। तो धूप निकल चुकी है और यहाँ पे रात को भजन कीर्तन होते हैं। हनुमान जी का मंदिर जो यहाँ पे जो भी आते तो वो यहाँ से टिक्का ले लेते हैं। ओ, मुझे भी दे दो, मैं लगा लेती हूँ। ओ, यहाँ पे घंटा भी है। यहाँ पे पता नहीं मुझे ये क्या बना रखा है इन्होंने, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलते हैं अब कान्हा जी की इस साइड, ठीक है। और कैसा लगा हमारा मंदिर प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में बताना। ये तो नहीं, यहाँ पे क्या है, मुझे भी ऐसा गार्डन टाइप का है। देखो यहाँ पे ये नाली है, इसके इसको क्रॉस करके नहीं जाना होता है, इसलिए उधर से ही निकल जाते हैं। ये मैंने सुना है कि नाली को ऐसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये माता रानी का मंदिर है, अभी घूम के जाएंगे। देखो कितना पुराना हो चुका है, आप देख सकते हो मिट्टी भी उतर गई है। देखो इसके फिर कोई वो नहीं हुई है इतनी। मैं सोच रही हूँ वो कलाकार क्या चीज़ होगी जो इन्होंने बनाया होगा। सेम प्रोसेस इसका राउंड राउंड यही है। माता रानी की जय हो, जय माता रानी की। यहाँ पे लोग लगा हुआ है, कितना यूनिक सा है भाई, देख रहे हो ना। धूप आ गया, मैं ऐसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अभी यहाँ पे पेंट भी नहीं हुआ है, मुझे लग रहा ये वही वाला पार्ट है जो उधर से मैंने दिखाया था। अब इसके आगे का यहाँ पे तुलसी मैया है, थीम पता नहीं कहाँ की है भी या नहीं भाई। लोग देखो ऐसा था, देख सकते हो हमारा मंदिर। सुबह यहाँ पे पुलिस वाले की भी लगी थी कि ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो लाइन से जाते, जगह भी नहीं थी यहाँ पे। सो अब हम चलते हैं नीचे, और नीचे हमारे शनिदेव जी का और माता काली जी का मंदिर है। यहाँ पे कुआं है, सो अब हम आपको दिखाएंगे आगे का। और अब तो लगभग लगभग सब आपने देख लिया है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। सो मम्मा जी आ गए थे, अब वो मेरे साथ आए नहीं थे तो वो बाद में आए थे मेरे साथ, मतलब आ गए थे पर फिर वीडियो शूट उन्होंने की थी। मैंने फिर आराम से पूजा पाठ किया वहाँ पे, और बस अब और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो
और अब सब फाइनल हो ही गया था, पूजा पाठ सब आपने मंदिर भी देख लिया, अब हम चल रहे थे सीधा घर। सो लेट्स गो। हम आ चुके हैं घर।